हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द अदर्स व्लॉग्स। और आज हमारे फैमिली मेंबर में एक और सदस्य जुड़ चुका है। सो गाइज, मैंने एक ट्राइपॉड मंगाया है, ये देख लीजिए। और ये अपना नया फैमिली मेंबर है, अब ये हमारा साथ देगा व्लॉगिंग में। तो अभी मैं इसे खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दिया गया था इतना बड़ा बोल के फुद्दू सा दे दिया था। तो अभी मैंने जो इसको साइड में रखना है, अभी आपको बताता हूँ कि ये कितने का था, और फिर से करते हैं अनबॉक्स। सो गाइज, अपना रियल प्रोडक्ट ये है। तो इसमें मुझे मिलता है एक ट्राइपॉड, और एक मोबाइल माउंट करने वाला ये मिलता है, और साथ ही साथ एक मिलता है एक्शन कैमरे का माउंट, एक्शन कैमरा लगा के वीडियो बनाने के लिए ये। तो गाइस, शायद आपको समझ ना आ रहा हो ये किस लिए यूज होता है और क्या ये इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गिर गया, सबसे पहले कि बता दूं मैं, ये जो है ये ट्राइपॉड है, और ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा है कितना छोटा है। ये शायद 250 का था जब मैंने खरीदा था पहली बार, तो ये 250 का था, लेकिन ये 300 में पड़ा है मुझे, जो नया वाला अभी मैंने अनबॉक्स किया है। तो ये भी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, ये भी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, बस हम लोग ध्यान से नहीं खरीदते, इस चक्कर में हम लोग कभी कभी गलती से ये खरीद लेते हैं। तो जब भी आपको चाहिए होगा ऐसा ट्राईपॉड, अगर मैं यूट्यूबर्स की बात करूँ तो यूट्यूबर्स जानते हैं कि ये ट्राईपॉड कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्या क्या इसके जो स्पेसिफिकेशन है मैं जस्ट दिखाने वाला हूँ। तो अभी बात कर लेते हैं कि ये अगर आपको चाहिए इतना बड़ा, ये 10 इंच का है और 13 इंच का भी आता है। तो अगर ये वाला आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है नीचे, जाके आप वहाँ से खरीद सकते हैं, वरना आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जहाँ भी जाइए लिख दीजिए गोरिल्ला ट्राईपॉड 10 इंच का, तो वो आपको जो है ये वाला मिल जाएगा। और ये वाला मैंने गोरिल्ला ट्राईपॉड डाला था, पहले मुझे मालूम नहीं था, तो बहुत पहले मैंने ये खरीद लिया था। और देख सकते हैं आप, ये मोबाइल भी रखेंगे तो ये ऐसे लुढ़क जाता है, ये देखें। तो ये अभी भी थोड़ा बहुत काम करता है, तो अभी ये रखे हैं। इसको लगाने का एकदम सिंपल तरीका है, तो ये जो स्क्रू लगा है इसको पहले ऐसे खोलते हैं, खोलने के बाद ये इसको ऐसे लगा के और ऐसे कर देते हैं। तो गाइस, मेरा व्लॉगिंग सेटअप जो है वो रेडी हो गया। तो इसका जो है क्या फायदा है ये तो यूट्यूबर्स जानते हैं, लेकिन अब मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि आपसे अपने नए फैमिली मेंबर से हमको क्या क्या फायदा होगा। सो गाइस, अभी मैंने फोन जो है वो हाथ में ले लिया है, और अब आप मैं चल के दिखाता हूँ, और आप देखिएगा फोटो कितना हिलता नो गॉड प्लीज नो नो वीडियो कितना हिलता अभी आप देखेगा मैं हाथ में फोन ले चुका हूँ जैसे कि मैं नॉर्मल व्लॉगिंग करता हूँ। तो अभी मैं चलता हूँ और आप देखेगा कि वीडियो कितना शेक करेगा जैसा कि नॉर्मल करता है। तो आप देख सकते हैं अभी मैं चल रहा हूँ और काफी रफ सरफेस है पीछे आप जैसा कि देख रहे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि वीडियो कितना शेकी है, जहाँ ऊंचा नीचा है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। सो गाइज, अब मैंने अपना फ़ोन जो है ट्राईपॉड में लगा लिया है, और अब मैं चल के दिखाता हूँ फिर से, आप देखेगा कि वीडियो कितना स्मूथ है। तो अभी मैं वापस से चल रहा हूँ, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वीडियो कितना स्मूथ है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है इफ़ेक्ट है इसके ट्राईपॉड और बिना ट्राईपॉड के, मैं दौड़ सकता हूँ, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा है इसका, जब मैं हाथ से करता हूँ तो इधर का पूरा हाथ कवर करता है, लेकिन अभी क्या हुआ कि जब मैं इस ट्राईपॉड को यूज़ करूँगा तो इधर का एरिया भी मुझे मिल जाता है, इधर का एरिया भी मिल जाता है, थोड़ा वाइड एंगल का लुक आता है। तो ये दूसरा जो है बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट है, जो कि आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। सो गाइस, तीसरा इफेक्ट ये अच्छा है कि आप इससे टाइम लैप्स ले सकते हैं, जैसे कि आप कुछ खा रहे हो तो आप मोबाइल लगा के अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, या आप जैसे कि आप बादल का टाइम लैप्स ले सकते हैं। सुबह के टाइम सन का टाइम लैप्स ले सकते हैं। तो देखा आपने कितना इम्पोर्टेंट है ये व्लॉगिंग सेटअप। हालांकि मेरे पास पूरा सेटअप नहीं है, माइक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। तो आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में जो है फ़र्क आएगा। इससे एक प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों का अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब लोग देखने लगते हैं कि ये बंदा हाथ में क्या लगा के बात कर रहा है। वैसे क्या रहता था, फ़ोन जेब से निकालने के बाद तुरंत व्लॉगिंग हो जाती थी। ये फ्लेक्सिबल है, तो इसको मैं कहीं भी किसी भी पेड़ की डाली पे, पंखे पे, या कहीं भी लटका के गैलरी पे
रख के अच्छे से शॉट ले सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए कोरोना वायरस से बच के रहो।